मुझे चलते चलते ध्यान आया कि मैं जकरिया स्ट्रीट को भी आपको दिखा दूँ प्रोफाइलिंग, यहाँ के लैंडमार्क्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे क्लिपिंग्स देखी जिसमें कोई सिंसेरिटी और डिटेल नज़र नहीं आता, खामखा वाले वीडियोज़ होते हैं। देखिए ये मैं शुरुआत बिल्कुल सामने पड़ी है, रज़ा एकेडमी, ये किताब की दुकान है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। और ये मुझे नहीं लगता कोई पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तबलीगी पॉइंट से ही ये दुकान लगती है। ये देखिए सामने मोहम्मद अली लाइब्रेरी ऑफ, ये कनाइसल स्ट्रीट पर ज़करिया स्ट्रीट से 2 मिनट के वॉक पे है, और ये बहुत कदीम और पुरानी लाइब्रेरी है। आप देखिए इस्टेब्लिश 1930 में ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई, और ये खुलने का वक्त इसका शाम का और सुबह का है। सुबह और शाम भीड़ होती है, और किताबें यहाँ सारी उर्दू की होती हैं, उर्दू की किताबें, नॉवेल्स और दिगर किस्म की, और अच्छे बैठने की जगह भी अच्छी है। कभी मैं आपको शाम को भी मंजर दिखाऊँगा कि लाइब्रेरी कितनी पॉपुलेटेड रहती है। आप देखिए मोहम्मद अली लाइब्रेरी इस्टेब्लिश 1930 इन मेमोरी ऑफ वेटरन फ्रीडम फाइटर लेट मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब मरहूम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने अक्सर देखा है कि ज़करिया स्ट्रीट का जब जिक्र आता है तो इस मंदिर को अवॉइड कर दिया जाता है, जबकि ये मंदिर बहुत पुरानी है, और ये शिव मंदिर है और ज़करिया स्ट्रीट के लैंडमार्क्स में से एक है। आप देखिए इसमें साफ लिखा है कि कितनी पुरानी मंदिर है, ये स्थापित सन 1903 ईस्वी, और ये बहुत पुरानी मंदिर है और ज़करिया स्ट्रीट के लैंडमार्क्स में से एक है। अक्सर हमने देखा है यूट्यूब पे और दीगर जगह में इस मंदिर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ ज़करिया स्ट्रीट। ये एक और लैंडमार्क देखिए ज़करिया स्ट्रीट का, और जब ज़करिया स्ट्रीट का नाम आता है सिर्फ बड़ी मस्जिद को दिखाया जाता है, मगर यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लैंडमार्क। ये देखिए भारत रिलीफ सोसाइटी, कितनी अजीम शान बिल्डिंग है, 42 ज़करिया स्ट्रीट कलकत्ता 73 सोसाइटी भवन। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये चैरिटेबल है, और ये सिर्फ एक छोटा मोटा नहीं, बहुत अजीम शान ये पूरी बिल्डिंग है। देखिए भारत रिलीफ सोसाइटी ज़करिया स्ट्रीट पे, पर जितने भी यूट्यूब पे हमने क्लिपिंग्स देखा है कहीं भी इस इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क का जिक्र नहीं है, जबकि ये सबसे अच्छा एसोसिएशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आउटडोर क्लिनिक्स वगैरह भी, भारत रिलीफ सोसाइटी आउटडोर क्लिनिक आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अंदर नहीं जा रहा। और देखिए इसमें कैसे कैसे डॉक्टर्स हैं, बैठने में आपको दिखाता हूँ। देखिए बोर्ड से, मैं पूरा बोर्ड पढ़ नहीं सकता, ये रिलीफ सोसाइटी है, ज़करिया स्ट्रीट के लैंडमार्क्स में से एक है, मगर कहीं भी हमने यूट्यूब पे देखा है कि कुछ ज़करिया स्ट्रीट्स के लैंडमार्क्स को सिर्फ बड़ी मस्जिद तक दिखाकर छोड़ देते हैं, और कुछ होटलों को। तो बहुत पुराना, पर यहाँ इस्टेब्लिशमेंट डेट नहीं लिखा है कहीं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, मगर मैं जानता हूँ जहाँ तक लोग हैं कि लोग कहते हैं कि जब कुछ मुकामियों से पूछा हमने तो कहा जब से हमने होश संभाला है, बचपन से बूढ़े हो गए तब से मैं देखता हूँ इसे। देखिए आई हैव मिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे भारत रिलीफ सोसाइटी आउटडोर एलोपैथी डिपार्टमेंट भी है, डॉक्टर्स चेंबर देखिए, और ये ज़करिया स्ट्रीट पे है। देखिए ज़करिया स्ट्रीट का ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, प्रेसिडेंसी, ये भी बहुत कदीम स्कूल है। देखिए लिखा है ना ऊपर, द प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल, दिस इज हाई स्कूल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल, शायद इसमें 11 12 तक पढ़ाई होती है, बाहर से दिखा रहा हूँ। ये भी ज़करिया स्ट्रीट का लैंडमार्क है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ ज़करिया स्ट्रीट। ये देखिए देखिए ये जीना है प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल का, और मैं कुछ आपको बोर्ड दिखा देता हूँ करीब से, मगर कहीं भी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं लिखा है इसका कि व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश्ड, सीएमओ हाई स्कूल पर लिखा है, मोहम्मद जान पर लिखा है, और ये ज़रूरी भी होता है। मैं इसके जीने से पर वीडियो बना रहा हूँ, और ये ऊपर जाकर ये है स्कूल की बिल्डिंग, आप देख रहे हो क्लासेस वगैरह यहीं पे, ये देखिए। अब इतना वक्त की तंगी है इसलिए मैं पूरा आपको नहीं दिखा सकता, मगर ये देखिए आप किसी
मैं इसके बरामदे पर खड़े होकर नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर से अब मैं शिव मंदिर की तरफ से प्रेजेंसी स्कूल की तरफ से चितपुर रोड की तरफ जा रहा हूँ। और ये है, आप देखिए, जकरिया स्ट्रीट। जकरिया स्ट्रीट मशहूर है, वैसे आपको यहाँ कोई ख़ास बात ऐसी नहीं मिलेगी सिवाय कुछ चंद गेस्ट हाउस और जो मैं दिखा रहा हूँ। बस ये है कि पुरानी जगह है और नाम ज़बान पे चढ़ा है जकरिया स्ट्रीट। नॉट, आप ये ना समझें कि कोई यहाँ आप ख़ास तौर से इसे देखने के लिए आए। जकरिया स्ट्रीट की जो अहमियत है महज नाखुदा मस्जिद की वजह से है, वरना यहाँ आपको वैसे कोई ख़ास चीज़ या ख़ास बात नज़र नहीं आएगी। बस ये एक रोड है जिसे जकरिया स्ट्रीट कहते हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि जकरिया स्ट्रीट कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। बस यह है कि हिस्टोरिकल है, काफ़ी नाम है पहले से इसका। आप देखिए, यहाँ का वन ऑफ द लैंडमार्क है राजस्थान गेस्ट हाउस, ये आपको दिख रहा होगा राजस्थान गेस्ट हाउस, ये भी लैंडमार्क है। फिर मैं सीधे चल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए जकरिया स्ट्रीट कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, और आप दूर बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि नाखुदा मस्जिद जो पूरे इंडिया में मशहूर है, अब ये नज़र आ रहा है, करीब होता जा रहा है। अब ये देखिए मून गेस्ट हाउस। इसके बाद जो कोई एक इम्पॉर्टेंट आप कह लेंगे कुछ है तो वो अमीनिया होटल है। ये मास फार्मेसी है, इसके बारे में लोग कहते हैं बहुत पुरानी दुकान है। ये पुरानी दुकानों में से है लोग कहते हैं, इसलिए इसकी भी मैं क्लिपिंग्स ले लेता हूँ। अजान हो रही है, जोहर की अजान हो रही है। दुकानें एक तरफ हैं, इस तरह से कोई ख़ास बात नहीं है। अब ये कपड़े की ऐसी दुकानें हैं, जनरल टाइप की, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ लोग ख़रीदारी करने आते हैं वो दूर दूर से, वरना दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स हैं। मैं आपको दोनों साइड दिखा देता हूँ थोड़ा तफसील से। हाँ, एक बात बताना भूल गया था, अब ये देखिए सिर्फ ज़ुबू हाली से पता चलेगा कि यहाँ के लोग मुसलमान कितने सिंसियर हैं। ये खिलाफत कमेटी की बिल्डिंग है, आप इसका बोर्ड देखिए, ये बोर्ड आधा टूटा हुआ है, मगर मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी भी इस बोर्ड को बना सकता है 500,000 रुपये में। मगर ये देखिए कलकत्ता खिलाफत कमेटी, कोलकाता 73, तो ये खिलाफत कमेटी की भी यहाँ बहुत नाम है। चांद का ऐलान वगैरह बहुत सारे अनाउंसमेंट यहीं से होते हैं और जो माने जाते हैं। आप देखिए पूरी मैंटेलिटी समझ में आ जाएगी, ये दुकानों का बोर्ड देखिए और इनके नियॉन साइंस देखिए, और ये मुसलमानों के दायरे है खिलाफत कलकत्ता खिलाफा यानी कलकत्ता खिलाफत कमेटी, और इसकी हालत देखिए। तो ये कैंसिल ही बकवास है सारी बातें जो करते हैं ना, सिंसिटी दिखाते हैं। आप अगर बारीकी से देखें तो पूरा माइंडसेट दिख जाता है। अमीनिया होटल पे ख़त्म, ये बस ये एक अमीनिया होटल है जो लास्ट लैंडमार्क है यहाँ का, जो थोड़ा सा नाम है जिसका। और ये जकरिया स्ट्रीट आपने देख लिया, क्या बला है, यहाँ ख़त्म। मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ आपको मंज़र यहाँ से नाखुदा मस्जिद के सामने से, और ये अमीनिया होटल गेस्ट हाउस, ये पुराना है, कदीमी है, और यहाँ का लास्ट लैंडमार्क अमीनिया होटल के सामने से जहाँ आप देख रहे थे, यहाँ से मैं नाखुदा मस्जिद की क्लिपिंग्स ले रहा हूँ। देखिए ये है नाखुदा मस्जिद। और इसके चारों तरफ देखिए, अब मैं घुमा, ये देखिए अमीनिया गेस्ट हाउस, और ये सामने बिल्कुल ये जो जकरिया स्ट्रीट में चल रहा था, अब ये है सामने चितपुर रोड एंड ओवर। अब जकरिया स्ट्रीट हो गई, इतनी ही है यहाँ तो, और रह गई कि जकरिया स्ट्रीट में आपको ये जेम स्टोन्स की दुकानें मिलेंगी, ज़्यादा नहीं, कुल मिला के टोटल जकरिया स्ट्रीट में 15-20 से ज़्यादा नहीं होंगे। बस ये है एक थोड़ी सी बात, बट यू इट इज़ नॉट ए शॉपिंग प्लेस। आप यहाँ ख़रीदारी करने के लिए दूर से नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं।
जकरिया स्ट्रीट में चितपुर रोड पे तो ये आगे जाकर जो मिला है जकरिया स्ट्रीट का, जो इतना नाम आप सुनते हैं, तो आपने आपको इसके सारे डिटेल्स दिखा दिए, देयर इज नथिंग हियर। और इसके बाद मैं आपको नाखुदा मस्जिद के अंदर ले आकर पूरा बारीकी से दिखाऊंगा। गाड़ी है वो देखिए, जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से वेस्ट बंगाल स्टेट जमीयतुल उलमा। अब ये देखिए इनकी मेंटेलिटी, देखिए अपना नाम भी सही नहीं लिख सकते। ये जमीयतुल उलमा इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पर ये नाम भी लिखना नहीं आता इन्हें। इसका पूरा नाम है जमीयतुल उलमा हिंद और यहाँ लिखा है जमीयतुल उलमा। अब ये है देखिए, ये मुसलमानों की मेंटेलिटी। आपको हर जगह ऐब थोड़ी बहुत ज़रूर नज़र आएगी। आपने देखा खिलाफत कमेटी का बोर्ड आधा, और ये छोटी छोटी दुकानों का बोर्ड देखिए और खिलाफत कमेटी का बोर्ड देखिए। फिर दिखा रहा हूँ मैं, इससे आप इनके मुसलमानों के बकवास ज़हनियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ये केरला रिलीफ फंड के लिए ये बोर्ड आवेज़ा है, ये बैनर आवेज़ा है जिसमें लिखा है वेस्ट बंगाल स्टेट जमीयतुल उलमा अकाउंट नंबर 100, IFS कोड नंबर 100, कुलुटोला ब्रांच। आपको थोड़ी बारीकी से दिखा देता हूँ कि नाखुदा मस्जिद के नीचे का मंज़र क्या है। कि छोटी मोटी दुकानें हैं, ज़्यादातर ये अतरियात सैलून है और लुंगी की दुकानें हैं, और इस तरह की दुकानें मतलब इस तरह से कोई बहुत एक्सक्यूज आप समझेंगे कुछ शानदार चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये नाखुदा मस्जिद के सामने से मैं क्लिपिंग ले रहा हूँ, ये इस तरह का सीन है सामने का, के नीचे से मैं ले रहा हूँ। ये एक बिल्डिंग है और इसके सामने सूफिया होटल, एक कपड़े की दुकान है, एक वैसी बेनाम वो होटल है, एनोनिमस होटल है, और बस, और इसके साथ अमीनिया होटल है। आप जकरिया स्ट्रीट अगर ख़ास तौर से आएंगे दूर से तो ये आपका ना बेकार होगा। आप नाखुदा मस्जिद के लिए सिर्फ यहाँ आ सकते हैं, और मतलब कोई ख़ास बात नहीं है। अब मैं क्लिपिंग जो है ये चितपुर रोड से ले रहा हूँ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मेरी पीठ जो है ये साउथ की तरफ है, ये नॉर्थ है, और ये जो आप गुंबद देख रहे हैं ये वेस्ट की तरफ है, और जिस रास्ते से मैं चल के आया वो ईस्ट है, और ये आकर ख़त्म होता है जकरिया स्ट्रीट चितपुर रोड पे। और यहाँ देखिए ये है आपका नाखुदा मस्जिद बाहर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी आप ट्राम लाइन से सीधा चितपुर रोड से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये ईस्ट वेस्ट है और ये चितपुर है, ये सब मशहूर है, यहाँ दुकानें बहुत हैं, ये दूर दूर तक दुकानें गई हुई हैं। और ठीक है, इसके सामने ही अमरतला है, ये अमरतला गली है, ये भी मशहूर है। आप किसी से पूछेंगे तो दूर के लोग नहीं बता पाएंगे, ये जो एरिया है साउथ सेंट्रल कलकत्ता, यहाँ बता सकते हैं जी। ये बकाई दवा खाना, ये यहाँ का एक लैंडमार्क समझिए, ये बहुत कदीम दुकान है, बहुत ही कदीम। वैसे इसमें डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं लिखा है, मगर लोगों का कहना है कि ये ब्रिटिश पीरियड या उससे पहले की दुकानें हैं, बहुत पुरानी। अब ये बन गई है, किसी ज़माने में ये ऐसी नहीं थी। ये लैंडमार्क हम कह सकते हैं बकाई दवा खाना को, मे बी 100 साल इस तरह इतनी पुरानी दुकान होगी। हकीमी दवा है, हकीमी दवाएँ आयुर्वेद यूनानी यहाँ मिलती है, ये लैंडमार्क हम इसे कह सकते हैं बकाई दवा खानों को। नाखुदा मस्जिद में जहर की नमाज़ 12:30 बजे है, और 12:30 से पहले मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़कर, फिर थोड़ा अगर अंदर का आपको मंज़र पेश करता हूँ। इसकी हिस्ट्री मैं लिख दूँगा, क्योंकि हिस्ट्री पे क्लिपिंग बनाना तो बेकार है, मैं इसे राइटअप में लिख दूँगा नीचे इंट्रो में, डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब में। जो मिस हो रही थी कि आपको नाखुदा मस्जिद के नीचे मतलब आप दूसरी जगह नहीं मिलेगी, अगर तावीज़ात बनानी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, यानी मानली बनाना हो, तावीज़ बनाना हो, ये ख़ास बात है। मतलब ये एक सीन है जो बिट थोड़ा अलग है। ये तावीज़ें मानदियाँ वगैरह यहाँ बनती हैं, और आपको टुकड़े वगैरह भी मिलेंगे, और भी तरह की चीज़ें मिलेंगी। आप देखिए क्या क्या तावीज़ें हैं, मानली हैं, और इस तरह ये आपको बना देंगे, और यहाँ पे तोहरे वगैरह भी हैं, और ये हर इस तरह की बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 दुकानें इस तरह की हैं। ये एक है थोड़ा डिफरेंट, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम एक लैंडमार्क वाली बात के कैटेगरी में ला सकते हैं इसे, ये तावीज़ों की दुकान को, कि ये जगह की पहचान है, बनाती है इसकी, ये तावीज़ों की दुकान से इस जगह की लुंगी की दुकान और ये दुकानें हर जगह हैं,
मगर ये तावीज़ की दुकानों की लाइन आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी, मतलब नाखुदा मस्जिद के नीचे साइड वॉक्स के किनारे किनारे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, मैं कहीं स्किप नहीं करूँगा। बस ये ख़त्म हो गया, इधर भी एक दो दुकान हो सकती है, मैं आई विल नॉट स्किप एनी प्लेस। एक और दुकान है यहाँ एस के रहमत अली गुल प्रोडक्ट्स, ये मशहूर है क्योंकि गुल पूरे इंडिया में हर जगह नहीं मिलता, तो ये काफ़ी पुरानी दुकान है गुल की, तो जो बाहर से लोग आते हैं तो फिर यहाँ से वो ख़रीद सकते हैं, ख़रीदते हैं गुल, क्योंकि गुल का रवाज पूरे हिंदुस्तान में, यूपी राजस्थान ये कहीं नहीं है, बंगाल बिहार में है। तो ये है दुकान गुल की, ठीक जामा मस्जिद के नीचे, ठीक जामा मस्जिद मैं कह रहा हूँ, सॉरी नाखुदा मस्जिद के नीचे। अब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, 12:30 में जहर की नमाज है, और मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये देख, आप देखिए निज़ाम कितना अच्छा है कि दिल्ली की मस्जिदों में आपको ऐसा निज़ाम नहीं मिलेगा, और आपको देखिए जूते रखने के कितने अच्छा निज़ाम है। ये देखिए, अरे पढ़ लेंगे ना आप, हमको मुफ्ती मत बनिए, हम बहुत जानते हैं, आपको पढ़ा देंगे अभी। हमको पढ़ाते रहिएगा, जोहर की नमाज होगी तो होगी, अभी शुरू हो गई है नमाज, हर जगह जहालत नजर आता है, इंटरफेरेंस जहाँ जाओ पूरे इंडिया में एक ही सी। आपको बता दूँ कि कहीं पूरे इंडिया में, पूरे कलकत्ते में कहीं नहीं हुई प्रॉब्लम, और ये नाखुदा मस्जिद में हो गई प्रॉब्लम। वो अपना लैंडमार्क, वो क्या कहते हैं ट्रेडमार्क छाप जो है, अभी जूते वाला जो है मेरा मजाक उड़ाने लगा, वो बाहर से पहले इशारा कर करके कुछ कह रहा था, मेरे समझ में नहीं आए क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, तो अंदर गए तो मुझे मलाम रहे, पहले नमाज पढ़ लो, वही नमाज पढ़ लो, पहले नमाज पढ़ लो, जाओ अंदर। मैं दूर से क्लिपिंग्स ले रहा था, और जब मैं अंदर गया मैंने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, आप कोई मुफ्ती हैं, आप अपना काम कीजिए, जबकि मैं अंदर वीडियो नहीं बना रहा था। और जब मैं अंदर गया तो ये लोग और लोग उनका साथ दे दिया उन्होंने, और ये कहने लगे कि ये सनकी है, ये ऐसे है, और वो मजाक उड़ाने लगे। तो आप ये देख लीजिए, इनका छाप देख लीजिए। तो जनाब इससे पहले मैं भारत सेवा समिति का वो बनाया, क्लिपिंग्स बनाया, अंदर जाकर बनाया, और किसी ने एतराज़ नहीं किया, किसी ने, भाई वो मेरी बात सुन रहे थे और वो समझ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सामने शिव मंदिर है, शिव मंदिर पे मेरे ऊपर वो उसके सामने कबूतर ने पैखाना कर दिया, और ठीक देखिए जब मैं गया, चूँकि मैं सलाम कलाम भी कर रहा हूँ, तो मंदिर के अंदर का आदमी ने मुझे असिस्ट किया, वहाँ ले गया पानी से, मेरा कपड़े से ये जो है बोला यहाँ आप धो लीजिए, जग मुहैया करवाया, मंदिर का आदमी था, पंडित था, कौन था। और अब ये आप इनका बिहेवियर देखिए, आप ये जो नाखुदा मस्जिद के जो लोग हैं इनका बिहेवियर देखिए, ये मुझे साइड में ले गए, और चापा कल है वो दरिया कल से मेरा शर्ट वगैरह धुलवाया, ये मंदिर का आदमी था, इसका अखलाक देखिए, और ये नाखुदा मस्जिद के लोगों का देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुसलमान